पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को लगा झटका। केजरीवाल को एससी से क्यों नहीं मिली राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के संयोजक कानूनी और अदालती चक्कर में घिर गए हैं। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि केस पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। आरटीआई एक्ट के तहत पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद कथित तौर पर दोनों नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर कुछ टिप्पणियां की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने कहा कि वो याचिका पर नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, क्योंकि मामला गुजरात हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है और 29 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ बेंच ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी और केजरीवाल अपनी शिकायतें हाईकोर्ट के सामने रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने मानहानि केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जो गलत है। यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया है। आपको बता दें, साल 2016 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सूचना आयुक्त से मांगी थी। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ये कहते इसे खारिज कर दिया था कि डिग्री सार्वजनिक होने के बाद भी केजरीवाल इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया था। याचिका रद्द हो जाने के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए अपमानजनक बयान दिया। साथ ही केजरीवाल ने विश्वविद्यालय से डिग्री छिपाने की वजह भी पूछी। केजरीवाल के इस बयान के बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने इन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और इन पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। बल्कि गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस मानहानि के मामले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को रद्द कर दिया और गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज मामले को खारिज करने से भी मना कर दिया। अब जब इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद अब इन दोनों नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं, बल्कि अब इस मामले में ये बुरा फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।